स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया था, कुछ काम आ गया था मेरे को, जिसकी वजह से पूरा दिन बिजी रहा। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। चलिए फिर, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आइए आप साथ चलते हैं। अभी दिल्ली में हो रही है बारिश, सुबह से ही बारिश हो रही है आज। बेसिकली अभी मैं थोड़ा बाहर निकला था तो पूरा गीला हो गया हूँ। आप लोग देख सकते हो, कपड़े गीले हो गए मेरे, स्कूटी भी पूरी गीली हो गई है। बारिश में स्कूटी ले जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि बारिश में कभी एक बार क्या होता है, वो स्पार्क प्लग होता है उसका एक, उसके अंदर पानी चला जाता ना तो स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। तो मेरे साथ बहुत बार ये प्रॉब्लम हुई है, तो मेरे को भाग के वापस घर आना पड़ा। अब देखते हैं, जब बारिश रुकेगी तब मैं बाहर की तरफ जाऊंगा और आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। बिजली कड़क रही है बहुत, और बाहर गया था मैं। अभी आपने आवाज़ भी सुनी होगी, आई होप कैप्चर किया हो फोन ने। ठीक है, अभी मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था स्कूटी पे आज, जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये लगा दिया था, तो उसका भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। एक बार और बिजली कड़की है, आई होप इस बार आवाज़ आ रही हो आपको बिजली की। स्वागत है आप सभी का फिर से। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने एक और दो वीडियो दिखाई होगी जिसमें हमने थंडर स्टॉर्म की आवाज़ सुनी होगी, थंडर की आवाज़ सुनी होगी बेसिकली। और उस टाइम मैं बाहर था, और वीडियो बंद करके जैसे मैं स्कूटी लेके निकलने लगा, वैसे ही बारिश तेज हो गई और मेरे को जल्दी जल्दी घर आना पड़ा ताकि मैं भीग ना जाऊँ दोबारा। सुबह निकला था मैं तो मैं भीग गया था थोड़ा सा। शाम को भी मैं निकला था, आप लोगों ने देखा होगा मैं बाहर निकल रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम भी बहुत बारिश हो रही थी। बट जैसे ही बारिश हल्की हुई तो मैं दोबारा निकला और फिर उस वहीं से वापस आ रहा था। मैं एक जगह पार्टी अटेंड करने गया था। आज मैंने स्कूटर पे एक दो शॉर्ट्स रिकॉर्ड करे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो मेट्रो से आया था तो स्कूटी मेरे पास क्या कर रही है, तो उसकी कहानी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को वो शॉर्ट दिखाता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया था, और वो शॉर्ट इस वीडियो के बाद आपको दिखेगा। आप लोगों ने इसे देखा होगा अभी वो शॉट, उसमें क्या हो रहा है कि मैंने स्कूटी पे माउंट लगाया हुआ है और मैं लगा चुका हूँ अपना फोन और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट क्या हो रहा है ना, स्कूटी में इतनी वाइब्रेशन हो रही है कि वीडियो ना स्टेबल नहीं हो रही, बहुत वाइब्रेट कर रहा है वीडियो। और इस वजह से मैंने वो जो व्लॉगिंग का जो था स्कूटर पे अपने, वो प्लान कैंसिल कर दिया है। डेफिनेटली उसको मैं दूसरे पर्पज के लिए यूज करूंगा, और आई होप थोड़ा बहुत व्लॉगिंग में भी यूज कर लूँ। बट कैसे यूज करूंगा वो आप लोगों को आगे आने वाले व्लॉग में दिखेगा। साथ ही इस टाइम जो बारिश हो रही है दिल्ली में,
गर्मी में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी ठंड में हो रही है। सर ठंड में इसकी जो है वजह से, बारिश की वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है। और कल मौसम बहुत ठीक था, धूप निकली हुई थी अच्छी खासी। मैंने भी कल ट्रैवल किया था, मेट्रो से मैंने ट्रैवल किया था, बट कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था किसी और कारणों की वजह से। बट कल मौसम काफी अच्छा था। कल रात में मैं एक और पार्टी में गया था, उसकी कहानी भी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा, जिसकी वजह से स्कूटी मेरे पास दोबारा मिल गई मेरे को और मैं लेके यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर पाया मैं। बट कल मौसम इतना बढ़िया था, मेरे को लगा नहीं था कि आज बारिश होगी। मेरा आज प्लान था वापस नोएडा जाने का, बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रही है इतनी। और मैं कोई रिस्क लेना चाहता बारिश में स्कूटर के साथ, क्योंकि छोटे छोटे टायर होते हैं उसके और बहुत चांसेस होते हैं कि वो स्लिप कर जाए गीली रोड पे, और ऊपर से बारिश भी हो रही है, ठंड भी है। अगर मैं गीला हो गया तो इस ठंड में जो हवा चल रही है अभी तेज ठंडी, उसकी वजह से मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो सकती है, तो वो भी मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। तो इस वजह से सॉरी गाइस, तो इस वजह से जो है मैं आगे का जो ट्रैवल था आज का मेरा नोएडा जाने का, वो नहीं कर पाया मैं। और कल फिर देखते हैं, मैंने फोरकास्ट देखा था, वेदर फोरकास्ट, तो कल भी बारिश होने के बहुत चांसेस हैं। 80% चांसेस दिख रहे हैं मेरे को कल बारिश होने के। बट कल का वेदर डिसाइड करेगा कि मैं यहाँ से जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। बाकी कल की चीज जो है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इसी बात पे मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शुभ रात्रि गाइस। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम जल्द ही अपने उस मुकाम पे पहुंच जाए जहां पे हम अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे कर पाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में।